हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स के जो 10th क्लास का ये वीडियो लेक्चर है इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज अपन एक्सरसाइज 7.1 का सवाल नंबर 22 कर रहे हैं। सवाल नंबर 22 क्या है? सवाल नंबर 22 में लिखा हुआ है साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा बराबर ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन LHS लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लेते हैं। तो LHS से LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस की घात 8 थीटा। ठीक है, अब मैंने आपको सवाल नंबर 15 के अंदर भी बताया था, एक बार फिर बता रहा हूं कि कभी भी घात 4 6 और 8 आ जाए तो क्या करना है, घातों को तोड़ना है। कभी भी घात 4 6 और 8 आ जाए तो घातों को तोड़ना है। तो 8 आ गया तो 8 को कैसे तोड़ेंगे, यहां पर 4 और ऊपर 2 टूट गया। देखो ये घातों को तोड़ना मैंने सिखाया था, साइन की घात 4 थीटा की घात 2, क्योंकि 4 और 2 गुणा होकर वापस 8 आने वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माइनस का माइनस इसको भी कैसे तोड़ेंगे, कोस की घात 4 थीटा की घात 2, क्योंकि 4 और 2 गुणा होकर फिर से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये घातों को हमने तोड़ लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर होता है a माइनस b a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है छोटी क्लासों के अंदर, तो इसी फॉर्मूले का यूज अपन करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन की घात 4 थीटा की घात 2 माइनस कोस की घात 4 थीटा की कोस की घात 4 थीटा की घात 2। ठीक है, ब्रैकेट मिटा देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। देखो घात 2 की जगह घात 2 आ रहा है, माइनस की जगह माइनस और इस घात 2 की जगह घात 2 आ रहा है, लेकिन a की जगह कौन आ रहा है, a की जगह आ रहा है साइन की घात 4 थीटा और b की जगह कौन आ रहा है, b की जगह आ रहा है कोस की घात 4 थीटा। मतलब हमें इस फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां वहां तो साइन की घात 4 थीटा रखना है और जहां जहां b है वहां वहां कोस की घात 4 थीटा। तो a की जगह क्या लिख देंगे, साइन की घात 4 थीटा माइनस का माइनस b की जगह कोस की घात 4 थीटा। ये ब्रैकेट a की जगह साइन की घात 4 थीटा प्लस का प्लस b की जगह कोस की घात 4 थीटा। ठीक है, तो साइन की घात 4 थीटा की घात 2 माइनस कोस की घात 4 थीटा की घात 2 को हमने खोला तो हमें ये मिला। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो यही तो इसी को तो खोलना था। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में इन दोनों को बराबर किया था तो इसकी जगह मैंने ये रख दिया। अब सवाल नंबर 15 के अंदर आपको पता है हमने ये भी सिद्ध किया था, क्या कि साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला है, हमने सिद्ध किया था सवाल नंबर 15 के अंदर इसको। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पर देखो घात 4 आ गई, यहां पहले काम करो इसको पढ़ा रहना दो, साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा। ठीक है, इस पूरे की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा इसके बराबर है, तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा के बराबर में ये पूरा लिख लेंगे। लिखो क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, लिख दिया। अब आगे देखो, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि घात चार आ जाए, छह आ जाए, आठ आ जाए तो घातों को तोड़ना है। तो यहां पर चार है तो फिर से तोड़ेंगे, घातों को कैसे तोड़ेंगे, साइन की घात दो थीटा की घात दो माइनस कोस की घात दो थीटा की घात दो, तोड़ गया दो दो के अंदर, क्योंकि दो और दो गुणा होकर चार आ जाएगा, माइनस का माइनस ये और दो, ये दो गुणा होकर चार आ जाएगा, तोड़ लिया। यहां पर क्या बचा, यहां पर बचा एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला फिर से लग रहा है। मैं यहां पर इस साइड आपको लगा के दिखा देता हूं क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा की घात दो माइनस कोस स्क्वायर थीटा की घात दो, यही तो है हमारे पास। इसको चेंज करना नहीं है, इसको चेंज क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमें आंसर के अंदर चाहिए, तो ये तो आ गया। अब ये बचा इसको हल करना है, इसको हल कर रहे हैं अपन। देखो घात दो की जगह घात दो माइनस का माइनस इस घात दो की जगह घात दो, ए की जगह कौन आ रहा है, ए की जगह आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह कौन आ रहा है, बी की जगह आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन ए की जगह क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा। यहां पर भी देखो ए की जगह कौन है, तो ए की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और बी की जगह किसको लिखना है, बी की जगह लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मान हमारे पास ये आया, तो अपन क्या करते हैं साइन स्क्वायर थीटा की घात दो माइनस कोस स्क्वायर थीटा की घात दो की जगह ये पूरा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो लिख देते हैं। लिखो इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से ही था, ये तो पहले से ही था ना, ये और लिख देते हैं एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह ये आ गया पूरा का पूरा, इस पूरे की जगह ये आ गया, क्योंकि ये और ये बराबर है। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है हम जानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया एक, और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, और बचा है एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब बताओ एक इस पूरे के साथ गुणा होगा तो वापस यही आ जाएगा, मैंने आपको बताया एक किसी भी संख्या के साथ गुणा हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दो के साथ गुणा हो तो दो आ जाता है, एक तीन के साथ गुणा हो तो तीन आ जाता है, एक पांच के साथ गुणा हो तो पांच आ जाता है, तो एक के साथ गुणा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें मिल गया एक इसके साथ गुणा होगा तो वापस यही आ जाएगा, क्या आएगा, साइन की घात दो थीटा माइनस कोस की घात दो थीटा एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो यही तो हमें लेके आना था, हमें क्या लेके आना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा आ गया, आ गया आंसर इति सिद्धम, ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब ये सवाल इतना आसान नहीं है कि इसको दबा दब या जल्दी जल्दी करने से यह सवाल आसानी से हो जाएगा, नहीं, क्या करना आपको इस सवाल की कम से कम दो बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार तो मैंने बताया वो, और एक बार खुद को करके देखना, तब ये सवाल क्लियर होगा। पहले क्या किया, घात आठ को तोड़ा, तोड़ने के बाद ये फॉर्मूला लगाया, और ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि साइन की घात चार थीटा प्लस कोस की घात चार थीटा, इसका फॉर्मूला मेरे पास पहले ही था एक माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, और फिर ये तो कंप्लीट। इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि ये मुझे आरएचएस के अंदर चाहिए था, और साइन की घात चार थीटा माइनस कोस की घात चार थीटा मैंने दो दो में तोड़ के फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह एक लिख दिया, एक पूरे से गुणा होने के बाद ये वापस मिल जाती है आपकी आरएचएस आ गई। ठीक है।
तो अब अपने सवाल नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। यह यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हुए, सवाल नंबर 23 में लिखा हुआ है रूट ऑफ sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1 बराबर cot थीटा प्लस cosec थीटा। आसान सा सवाल है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सवाल नंबर 6 था वैसे का वैसा है। अगर आपने सवाल नंबर 6 बेहतरीन तरीके से किया है तो ये सवाल भी ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन LHS लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी LHS है, LHS से LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है sec थीटा प्लस 1 बटे sec थीटा माइनस 1। तो ये हमने LHS ले ली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रूट वाले सवाल के अंदर क्या करते हैं, रूट वाले सवाल के अंदर हम परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब जो भी नीचे लिखा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह लेते हैं। नीचे कौन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है sec थीटा माइनस 1, तो उल्टा चिन्ह क्या होगा, उल्टा चिन्ह होगा sec थीटा प्लस 1। माइनस का उल्टा तो प्लस ही होता है ना, तो sec थीटा प्लस 1 लेके उसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। sec थीटा प्लस 1 लेके उसको क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कर दिया, इसे हम परिमेयकरण बोलते हैं। तो आप गौर से देखो, ये sec थीटा प्लस 1, ये भी sec थीटा प्लस 1, तो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे होते हैं तो क्या होता है, ऊपर स्क्वायर लग गई। ये भी sec थीटा प्लस 1, ये भी sec थीटा प्लस 1, तो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो ऊपर स्क्वायर लग गई। नीचे देखो, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। मैं यहां पे बता देता हूं नीचे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1, नीचे यही तो लिखा हुआ है sec थीटा माइनस 1 sec थीटा प्लस 1। तो a की जगह कौन आ रहा है, sec थीटा b की जगह कौन आ रहा है, a की जगह कौन आ रहा है, sec थीटा b की जगह 1। तो हम क्या करेंगे, a की जगह तो sec थीटा स्क्वायर है तो ये रहा स्क्वायर, माइनस का माइनस, b की जगह 1 स्क्वायर है तो ये रहा स्क्वायर। ठीक है, तो sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1 की जगह नीचे में क्या लिख दूंगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 1 से गुणा करने पे 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर बचा sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखो ये वाला फॉर्मूला, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा के। तो अपन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह लिख देंगे tan स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे करते हैं, ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूं sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। इस स्क्वायर को लगा दिया बाहर, इस स्क्वायर को लगा दिया बाहर, क्योंकि ये स्क्वायर देखो, इस ये स्क्वायर sec थीटा प्लस 1 की भी है और ये स्क्वायर tan की भी है। जब भी ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है ना, तो आप ब्रैकेट लगा के स्क्वायर को ऊपर की साइड बाहर लगा सकते हैं। इससे होगा क्या, क्योंकि हमें पता है इस स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा। तो बचा क्या, तो बचा sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। क्या बचा, sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। अब बाकी सवाल को मैं यहां पर करता हूं, हमारे पास बचा, मैं यहां पे लिख देता हूं sec थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा। तो साइन कोस में बदल लेते हैं सबको, रूट वाला काम तो हो गया, रूट तो हट गया, अब सबको साइन कोस में बदल लेते हैं। sec थीटा किसके बराबर है, sec थीटा बराबर होता है 1 बटे cos थीटा के। sec थीटा किसके बराबर है, sec थीटा बराबर है 1 बटे cos थीटा के। तो sec थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 1 बटे cos थीटा प्लस 1 का प्लस 1, ये बटे वाली लाइन, ये रही बटे वाली लाइन,
और tan थीटा किसके बराबर है, ये रहा tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो tan थीटा की जगह लिख देंगे sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक है। अब देखो इस एक के नीचे एक लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तब लघुतम आ रहा है, लघुतम कैसे लेते हैं, मैंने ट्रिक बताया आपको, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा और इन दोनों को आपस में, तो बताओ ये एक एक से गुणा हुआ तो क्या आया, एक प्लस का प्लस। अब ये कोस थीटा इस एक से गुणा हुआ तो कोस थीटा बट्टे का बट्टा, और नीचे कौन है, अब नीचे वाले दोनों आपस में, यहां पर नीचे कोस थीटा और यहां पर नीचे एक, तो कोस थीटा को एक से गुणा किया तो क्या आया कोस थीटा, फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो मेरे को यहां पर लघुतम दिख रहा था, मैंने लघुतम ले लिया, बाकी नीचे वाले को सेम लिख दिया। देखो जब भी एक दो तीन चार, चार एक दूसरे के बट्टे में आ जाए तो क्या होता है, देखो ये कोस थीटा, ये कोस थीटा कट हो गया एक जैसे, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा वन प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन थीटा, ऊपर बचा वन प्लस कोस थीटा और नीचे बचा साइन थीटा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये साइन थीटा इन दोनों के बट्टे में, ये साइन थीटा एक के भी बट्टे में और ये साइन थीटा कोस के भी बट्टे में, तो क्या करते हैं आगे, आगे हम ये करते हैं कि एक को तो साइन थीटा अलग दे देते हैं और कोस को साइन थीटा अलग देते हैं, अलग अलग क्यों दिया, क्योंकि हमें पता है ये साइन थीटा एक के भी बट्टे में और ये साइन थीटा कोस के भी बट्टे में, तो अलग अलग दे दिया। अब बताओ एक बट्टे साइन थीटा कौन होता है, ये रहा फॉर्मूला, एक बट्टे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर होता है, तो एक बट्टे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो एक बट्टे साइन थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बट्टे साइन थीटा, ये रहा कोस थीटा बट्टे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, तो कोस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोस थीटा बट्टे साइन थीटा की जगह लिख देंगे कोट थीटा, या भी आ रचस, यही तो लाना था, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा आ गया, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इतने सीधा सवाल खत्म, नोट कर लीजिए आप।